Hello friends, I am Alka Bhalla, tarot reader, numerologist, Reiki grandmaster and a spiritual healer. आज हम बात करेंगे affirmations की. ये affirmations क्या हैं? जैसे हम computer की programming करते हैं, वैसे ही हम mind की programming के लिए affirmations को use करते हैं. लेकिन ये affirmations क्या हैं? जब हम किसी भी line को बार बार repeat करते हैं, positive line को, तो वो एफर्मेशन बन जाती हैं. जैसे हम इसे इजी वे में ये ऐसे कह सकते हैं कि माइंड के दो पार्ट्स हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. में सबकॉन्शियस माइंड, जब सबकॉन्शियस माइंड तक हमें पहुंचना होता है तो हम बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं. से मैं कहती हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, सो मैं इसे रिपीट करूंगी तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएगा और वो चीज हो जाएगी. हम दीवार पे कील ठोकते हैं तो हमें बार बार हैमरिंग की जरूरत पड़ती है. इसी तरह से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए हमें एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है. हम ओम चैंटिंग करते हैं तो ओम को अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो ओम हमारे अंदर, अगर हम बोलते नहीं हैं, बार बार हम उसे रोज चैंट करते हैं तो हमारे अंदर से ओम का नाद सुनाई पड़ता है. इसी तरह से हम कहेंगे कि चाहे ये एफर्मेशंस उस टाइम हमें लगेगा कि दे आर ओनली वर्ड्स, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट जब हम इसे कॉन्स्टेंटली 40 डेज तक इसे हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये जो फ्रेजेस हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएंगी और यूनिवर्स विल हेल्प अस टू अचीव दैम. अब मैं आपको बताऊंगी कि इन एफर्मेशंस को हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं. आप मिरर के आगे खड़े हो जाइए और उस मिरर के आगे जो भी आपको अचीव करना है आप उसे बोलिए. अगर आप मिरर के आगे नहीं खड़ा होना चाहते तो आप एक पीसफुल प्लेस पर बैठकर इसकी चैंटिंग कर सकते हैं. से सेल्फ मोटिवेटिंग फ्रेजेज हैं कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ. आई एम कॉन्फिडेंट, I respect myself as I am. I accept myself. I love myself. I am my own favorite. अब किसी को मनी अट्रैक्ट करना है तो वो मनी के लिए कह सकता है I am attracting so much money. मैं 50,000 अर्न कर रही हूँ तो मैं उसके लिए कह सकती हूँ कि I am earning 1 lakh rupees. तो ध्यान रहे कि जो जो भी आप एफर्मेशन कर रहे हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए. उसके बाद अगर आपको किसी रिलेशनशिप के लिए एफर्मेशन करनी है तो हम कह सकते हैं आई हैव हेल्दी रिलेशनशिप विद सो एंड सो. देन फिटनेस के लिए हम बोल सकते हैं आई एम मेंटली एंड फिजिकली फिट. उसके बाद लव एंड मैरिज के लिए हम कह सकते हैं आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट. इस तरह से हम बहुत सारी एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं मानती हूँ कि अगर जब तक हम सेल्फ मोटिवेटिंग एफर्मेशंस नहीं करेंगे, अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, हम किसी और को मोटिवेट नहीं कर सकते. क्योंकि जो भी ज्ञान और नॉलेज है उसका पावर हाउस हमारे अंदर है तो हमें उस अपने अंदर को जगाना है. उसके लिए हमें ये एफर्मेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है. इस तरह से मेरी सेल्फ मोटिवेटिंग मेडिटेशंस ऑडियो एंड वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. आप मेरे चैनल अलका हीलिंग हैंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू. आप देख सकते हैं कि कैसे हम सेल्फ मोटिवेटिंग एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं. सिट कंफर्टेबली इन अ पीसफुल प्लेस एंड टेक 3 योगिक डीप ब्रेथ्स. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. Now you can chant Om 3 times and then after chanting Om we can say
I am confident. I love myself. I am my own favorite. I respect myself as I am. I accept myself. I am mentally and physically fit. I am beautiful. I am bathing under the fountain of white light. And you can repeat these kinds of affirmations 3 to 5 times, and even you can chant it for 10 minutes. ये आप सुबह शाम अगर आप इसकी चैंटिंग करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू.